बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मेरे पास ये दो आलू हैं और दो जगह मैंने एक एक कप मैदा लिया है। ये नमक है जो हम हसबे ज़रूरत यूज़ करेंगे और ये बेकिंग पाउडर है, इसमें से मैं 1 पिंच ही यूज़ करूँगी और ये 1 टीस्पून चिकन पाउडर है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके चीज़ बना लेंगे। मैंने इतनी बड़ी छुरी ली है इसको काटने के लिए। इसको बहुत ज्यादा मोटे नहीं कटेंगे इसके। इतना काट काट के मैं फौरन से हम पानी में डाल देंगे वरना ये काले हो जाएंगे। बस इसी तरह से मैं ये सारे काट लूंगी। इसमें मैं ये चिकन पाउडर, हसबे जरूरत नमक, नमक मैं हमेशा हाथ से डालती हूँ इसलिए कि मेरा अंदाज़ा जो है हाथ से ही सही रहता है। और ये बिल्कुल देखिए 1 पिंच के बराबर मैंने सोडा डाला है। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको बीट करेंगे इसलिए कि ना बहुत ज़्यादा इसको ना पतला नहीं करना है। अब मैं इसमें ये बहुत थोड़ा सा येलो कलर डालूंगी। ये देखें इसका कलर भी देखें कितना अच्छा आया है और ये इसको इतना ही ठीक रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये दूसरा जो मैदा दिखाया था मैंने आपको, इसमें मैं सिर्फ हम इसमें नमक ऐड करेंगे हसबे ज़रूरत और इसको मिक्स करके देखिए नेक्स्ट स्टेप। ये मैंने आलू को अच्छा सा धो लिया और ये एक लेके ना ये इतना गाढ़ा रखना है कि ये जो है इसके ऊपर इस तरह से चिपका रहे। अब ये मैं मैदे में डालूंगी और इसको हम इसके ऊपर ये लगाएंगे। ये देखें इसके ऊपर कितना अच्छा सा ये चिपक गया। यही है, ये जो मैदा चिपका है यही इसके क्रम्स बनाएगा। तो चलें इसी तरह से हम ये कर करके तो फ्राई कर लेते हैं। देखें ऑयल मैंने गरम होने रख दिया था। अब ये हम इसमें इस तरह से डालते हैं।
इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे डाला था और अब इसको मैं लो फ्लेम पे फ्राई करूँगी ताकि अंदर ग्रेवी अच्छे से हो जाए। देखें देखें इसके कैसे क्रम्स बन रहे हैं ना। बस ये हो गए हैं। मैं इसको निकालने से एक मिनट पहले, कोई भी चीज़ फ्राई करें निकालने से एक मिनट पहले फुल फ्लेम कर दें तो इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह होता है ना वो फिर रुकता नहीं है। ये हो गए, बस इसी तरह से मैं सारे फ्राई कर लूँगी। ये हमारे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बन गए हैं। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, आप भी इस रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आखिर में एक लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, उस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।